मजदूरों के लिए चलाई जाने वाली ट्रेन के मसले पर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी कम नहीं हो रही। रेल मंत्री की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि पर्याप्त ट्रेन भेजी जा रही है, लेकिन ट्रेन खाली लौट रही है या फिर रद्द हो रही है। महाराष्ट्र की सरकार आरोप लगा रही है कि केंद्र बाकी राज्यों के बजाय महाराष्ट्र को कम ट्रेन दे रहा है। आधी रात से ही मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर रेल में बैठने के लिए मजदूरों का रेला लग गया था। मजदूर अगली सुबह ट्रेन में बैठकर घर जाने के लिए स्टेशन पर ही जमा थे, मगर उनके हाथ लगी मायूसी। ट्रेन चली ही नहीं, और ट्रेन चली नहीं तो अपनी घर गृहस्थी सिर पर लादकर परिवार समेत मजदूर वापस लौटने लगे। हम इस वक्त मौजूद हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर, और आप देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ यहां पर उमड़ी हुई थी। ये राजस्थान जाने वाले कुछ पैसेंजर्स थे जिनकी ट्रेन सवेरे 4 बजे यहां से लोकमान्य तिलक टर्मिनस से खुलनी थी, पर वो ट्रेन अचानक कैंसिल हो गई। ये भी कहा जा रहा है कि वो ट्रेन फुल हो गई, इसी वजह से 400 से 500 पैसेंजर्स जिनको स्टेशन पर आने के लिए कहा गया था, असेंबल होने के लिए कहा गया था, वो लोग यहां पर आकर अब घर वापस जा रहे हैं। सर, ये बताएंगे आप लोगों ने कहां के लिए ट्रेन बुक की थी और क्या हुआ उसके बाद? हमने अजमेर के लिए बुक की थी, और अब सब सामान वापस लेके जा रहे हैं। हमारा घर भी खाली हुआ, हमको एंट्री भी नहीं मिलेगा, कॉलोनी में कहीं जाके पढ़ना पड़ेगा, क्या करेगा वो? मजदूर परेशान हैं, और इस परेशानी का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि रेलवे के सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र को 145 ट्रेन देने का प्रस्ताव दिया गया। महाराष्ट्र से चलने के लिए 140 ट्रेन तैयार हुई, सिर्फ 62 ट्रेन चली, बाकी रद्द हो गई। रेलवे का मानना है कि ये ट्रेन इसलिए रद्द हुई क्योंकि महाराष्ट्र सरकार यात्रियों की लिस्ट तैयार नहीं कर सकी। रेल मंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट करके महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। महाराष्ट्र में 145 ट्रेन खड़ी हैं और उनके लिए यात्री नहीं है। महाराष्ट्र की राज्य सरकार पैसेंजर नहीं ला पा रही है, उनकी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और गाड़ियां खाली पड़ी हैं, नहीं तो लाखों और लोगों को उनके घर तक पहुंचा सकते थे। रेल मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला किया तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी पलटवार किया गया। गुजरात राज्य महाराष्ट्र पेक्षा छोटा है, त्यांना 1500 ट्रेन दिले आणि आपल्याला आतापर्यंत फक्त 700 ट्रेन दिलेली आहेत, हा फरक आहे त्याच्यामधला। रेल्वे प्रशासन ने जो ट्रेने भेजी है उसमें लोगों को गुमराह करने का काम केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री वार कर रहे हैं तो उन पर केंद्र की ओर से पलटवार भी हो रहा है। भारत सरकार पूरी ट्रेन देने को तैयार है, आज उत्तर प्रदेश और बिहार में लाखों लाखों चले गए, शायद यूपी में लगभग 1000 ट्रेन से लोग विदा हो चुके, बिहार में भी संख्या 600-700 के ऊपर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है आप रोज देख रहे हैं, कांग्रेस सरकारों ने प्रदेशों ने कितना लिया है, ट्रेन दिया है, ये भी आप जानते हैं। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार की रेल पर मची इस राजनीति में मुसीबत उन मजदूरों की है जो दिन रात एक करके अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई से दिव्येश के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।